फ्रेंड्स मु प्रशांत मोर डिप्लोमा गुरु चैनल को स्वागत मुझे आपची ओडिशा जी ऑनलाइन रे केमिति अप्लाई करिवे आपण माने सब मोबाइल माध्यम रे अप्लाई करथबे किंतु केतोटी कथा आपण माने मोबाइल रे करिवे नाही। यदि मोर चैनल आपण माने नुवा ते खूब शीघ्र सब्सक्राइब बटन को दबाई दियंतु कहीं एभली लेटेस्ट वीडियो आपण माने शीघ्र आपण मानको मोबाइल रे पाई परिवे। पिला माने भलो भाबे मने रख फॉर्म अप्लाई करबा अगुरु इंस्ट्रक्शन को भलो भाबे रे पढिबो कहीं यार जो स्टेप रही है स्टेप बाय स्टेप आपण माने अप्लाई करिया समय रे सतर्कता अवलम्बन करिवे। एबे जानंतु प्रथम स्टेप रे कौन रही प्रथम स्टेप रही एप्लीकेशन फॉर्म द्वितीय रही कोर्स टू बी अप्लाइड फॉर तृतीय रही क्वालिफिकेशन डिटेल्स चतुर्थ रही कॉन्टैक्ट डिटेल्स पंचम रही एग्जाम सेंटर डिटेल्स षष्ठ रही अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट और इमेजेस अष्टम रही प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट देन फाइनाल आपंकर रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रही आपर कन्फर्मेशन पेज बाहर तेनाली पर्यंत आपण मैंने बहुत सतर्कतार सहित फॉर्म फिलअप करेंगे। पाने ऑनलाइन रे अप्लाई करिया पूर्व केतोटी दरकारी डाटा रेडी रखि था जमीक एक्टिव मोबाइल नंबर ईमेल आईडी एवं फी पेमेंट करने सब व्यवस्था रखि एवं कलर फोटो 1/1/2022 नहीं थे सिग्नेचर LTI पेमेंट ऑफ फी। एबे आस गूगल ले जाई OJEE ओडिशा सर्च करी तार वेबसाइट को जीवा एभली OJEE सर्च कला परे तार होम पेज को आसिबो एठारे तमे भलो भाबरे तार इंस्ट्रक्शन टी को देखिबो पढ़िबो। स्टेप वन रे रहिची ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केमिति ऑनलाइन रे तमे प्रथमे रजिस्टर करिबो सेथिरे डिटेल्स नाम बापा नाम मा नाम डेट ऑफ बर्थ जेंडर इत्यादि भर्ती करिबो। नेक्स्ट रही स्टेप टू रे रही मल्टी स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन जमीक कैंडिडेट फिलअप मल्टीपल स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म लाइक पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन डिटेल्स कॉन्टैक्ट डिटेल्स एग्जाम सीट डिटेल्स अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेजेस यापर रही स्टेप थ्री रही फी पेमेंट एवं स्टेप फोर रही डाउनलोडिंग ऑफ कन्फर्मेशन पेज आपण मैंने तले दि जाइवा एग्री पेज को हाइलाइट करूँ सिलेक्ट करूँ तापर नेक्स्ट पेज खोल से पर्सनल डिटेल्स भरवे रजिस्ट्रेशन जमीक ना कौन बापा ना कौन माँ ना कौन डेट ऑफ बर्थ जेंडर आइडेंटिटी टाइप तार नंबर पड़ो से पुणी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरवे यू भरला सबमिट करूँ। एबे आस पुणी नेक्स्ट स्टेप रे कौन रही जानिबा ये रहिला तुम्हारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नेक्स्ट रोचे एप्लीकेशन फॉर्म टिके भलो भाबरे फिलअप कर ए सेक्शन टे भेरी भारी इम्पोर्टेंट जमीती कि एप्लीकेशन फॉर्म रे डिटेल भूल रही गले तुम्हार नेक्स्ट सब किसी भूल रेणु भल भाव टे देख ये तुम एप्लाय कर सारा गोटे एप्लीकेशन नंबर जो हाइलाइट होकर आसी तुम फ्यूचर पर भारी नेसेसरी से तुम्हें संचय सहित रख एस जा एप्लीकेशन फॉर्म को कैंडिडेट नाम बापा ना माँ ना थी से मेल जेंडर सब लिखाई एवं डोमिसाइल को आसबे जो थे कि डोमिसाइल में ओडिशा कैटेगरी की कौन तुम भल भाव इंस्ट्रक्शन पढ़ी भर्ती कर नेक्स्ट डोमिसाइल पर रही बर्थ कैटेगरी रही बर्थ कैटेगरी भर्ती कर पुणी नेक्स्ट रही एनुअल फैमिली इनकम से भर्ती कर भर्ती कर सेव एंड नेक्स्ट एस मार नेक्स्ट पुणी आ गए पेज आसो एवं देखा पुणी नेक्स्ट पेज रे कौन रही आपणकर कौ कोर्स रे पढ़िया को चाहूँ से सब डिस्क्रिप्शन ग्रुप दि जाए भल भाव पे बुझी इंस्ट्रक्शन पढ़ी टिक चिन्ह मार से तुम्हें जितोटी कोर्स कर सही हिसाब से तुम फी टी बढ़ी चलो कि कौन कर तुम चाहो कि एट ए टाइम गोटे कोर्स कर कि दुईटा कोर्स करनटापाई अप्लाय कर सब भाव ठीक भाव से तुमको टिक चिन्ह मारक पड़ो जिते तुम्हें से जगह सिलेक्ट करते तार तले ठीक एमाउंट टी बाहरी पड़ो तेणु तुम्हें केतोटी कोर्स अप्लाई करते एक्सट्रा कोर्स एड करके जाऊ तेणु से ही हिसाब से तुम फी टी बढ़ी बढ़ी चलो तेणु भल भाव ध्यान रखी ताको अप्लाय कला बेले चिंता करके अप्लाई करूँ कहीं जो अमाउंट बाहर से अमाउंट आपको नेक्स्ट भरवाक पड़ो तेणु सठिक भाव भर्ती कर।
ଯେମିତିକି ଦେଖ ମୁଁ ଯେମିତିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର କୋର୍ସ ଆଡ଼୍ କରି କରି ଚାଲିଲି ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଏମାଉଣ୍ଟଟି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ କୋର୍ସ କରିବା ଦରକାର ସେଇ କୋର୍ସଟି କରିକି ବାକି ତକ ଡିଲିଟ୍ ମାରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେସନ୍ ଆସିଗଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ତାପର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଭରିବାକୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଭରିବାକୁ କହୁଛେ। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍, ୟାର ପାସିଂ, ଏଇସବୁକୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କାହିଁକିନା ଏହା ଉପରେ ତୁମର ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି କାଉନ୍ସିଲିଂ ସମୟରେ। ଏବେ ଆସ ତୁମର ଡିଟେଲ୍ସ ଆଡ଼୍ରେସ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା। ପିଲାମାନେ ଆଡ଼୍ରେସ୍ଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବ, କାହିଁକିନା କାଉନ୍ସିଲିଂ ସମୟରେ କିମ୍ବା ପରେ ସେଇ ଠିକଣାରେ କାଉନ୍ସିଲ୍ ତରଫରୁ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରାଯିବ। ଏବେ ଆସ ଜାଣିବା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ କେୟାରଫୁଲି ଟିକିଏ ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତିନିଟି ଚଏସ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ ନମ୍ବର, ଦୁଇ ନମ୍ବର, ତିନି ନମ୍ବର। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଚାହିଁବେ ସେହି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଛି ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତାହାକୁ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ୍ ମାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ୍ ସେସନ୍ ଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏବେ ତୁମର ଫଟୋ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ 20x200 KB ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ସିଗ୍ନେଚର୍ ମଧ୍ୟ 20x200 KB ଭିତରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ପୁଣି ଆମକୁ ସେଲ୍ଫ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପୁରା ମୂଳରୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍ ଆମ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଏଡ଼ିଟ୍ କରିପାରିବେ ବିନା ସବମିଟ୍ କରିବେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଦେଖିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ଠିକ୍ ରହିଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରି ତାକୁ କନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଫି ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିବ। ଆପଣମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଫିଟିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱାୟାର୍ଡ ଫିଟି କେଉଁ ମୋଡ଼୍ରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରନ୍ତୁ। ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିବେ, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ, କି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ କରିବେ, କି ନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂରେ କରିବେ, ଠିକ୍ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଚୁଜ୍ କରି ସେଇଥିରେ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟକୁ ଭରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ କନଫର୍ମେସନ୍ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଯାହାକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିବେ ଏବଂ ତା'ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।